क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, नहीं ना। अरे देख रहा है, वो देख रहा है ना। एक साथ तीन सिगरेट? पीने के लिए नहीं, धुआं निकालने के लिए, ताकि श्रीमान देख न सके। हम जैसे तीसरी आंख भी रखते हैं बाबू। जरा जल्दी चलिए श्रीमान, कहीं गाड़ी निकल न जाए। ज्यादा तेजी अच्छी नहीं होती, तेजी से किसी की जान भी निकल सकती है। अब तो दूसरा टायर भी नहीं, अब क्या होगा? आप लोग सामने वाली हवेली में चले जाइए, मैं गाड़ी ठीक करा के आता हूँ। जरा जल्दी आना। मालिक ठाकुर ज्वाला प्रसाद, तुम यहां गौना लेकर आए हो? हम भी कभी यहां गौना लेकर आए थे, वो रात आज भी हमें अच्छी तरह याद है। जो कहते हैं कि प्यार सिर्फ एक रास्ता है, वो आज हमारी सुहाग रात देखकर मान गए होंगे कि प्यार करने वाले मंजिल पा ही लेते हैं। ये लो, इस मंजिल पे तुम अकेले ही जाओगे ठाकुर, क्योंकि मैं अपनी सुहागरात उसी के साथ मनाऊंगी जिससे प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो? ठाकुर की दुल्हन और सुहागरात किसी और के साथ मनाऊंगी? जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके पास दौलत नहीं थी, अब तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के बाद हमारे पास प्यार भी है, दौलत भी। कमीनी, धोखे बाज, याद रख, मेरी मौत के बाद भी मेरी नफरत अब तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। शादी की पहली ही रात हमारी दुल्हन ने हमें जहर देकर मार डाला, और तब से हमारी आत्मा भटक रही है, हर लाल जोड़े में हमें वही जहरीली नागन दिखाई देती है, और जब तक हम अपने हाथ उसके खून से न रंग लें, हमें चैन नहीं आता। शंकर, शंकर, गाड़ी कहाँ गई? कमीने, जाने दो मुझे। तुम लोग क्या सोचते होंगे, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं चिल्लाऊंगी, मैं शोर मचाऊंगी। जितना चाहे चिल्ला लो, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम किसी और की दुल्हन नहीं बन सकती, मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ गीता, मुझे तुझसे नफरत है। मेरे घर वाले तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भले ही कर दे, मगर भगवान जानता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता गीता। Thank you.
हिम्मत से काम लो, डरने की कोई बात नहीं। गाड़ी आ गई, चलो। जा रहे हैं आप? तुम? आप भूल सकते हैं, लेकिन हम मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाना नहीं भूलते। आपका सामान। शुक्रिया। आ जाओ। जो देखा उसे भूल जाओ। शुक्र है भगवान का कि हम उस खूनी के हाथ से बच निकले। अब तुम जल्दी से जाकर कपड़े बदलो, क्योंकि तुम पहली बार ससुराल जा रही हो। माफ कीजिए, क्या आप भी भूत प्रेत को मानते हैं? जरूर मानता हूं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भूत प्रेत को जब तक देख नहीं लेते मानते नहीं। ये भूत होते क्या हैं? वो लोग जो अपने वक्त से पहले किसी भी हादसे में मर जाते हैं या मरवा दिए जाते हैं, उनकी भटकी हुई आत्माएं भूत प्रेत का रूप धारण कर लेती हैं और वो किसी भी आदमी में दाखिल हो सकती हैं। लेकिन उनकी पहचान क्या है? इसकी पांच इंपॉर्टेंट निशानियां होती हैं। जिस किसी के अंदर भी ऐसी रूह दाखिल हो जाए उसे हर वक्त पसीना आता रहता है, वो हमेशा होठ चबाकर बात करता है, उसके हाथ पांव कांपते रहते हैं, उसकी आंखें कभी झपकती नहीं, यूं खुली रहती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो आग से बहुत ज्यादा डरता है। ऐसे शैतान को खत्म कैसे कर सकते हैं? वैसे तो उसके जिस्म पर किसी वार का कोई भी असर नहीं हो सकता, सिर्फ एक हिस्सा है दिल, जिस पर वार करने से ही वो खत्म हो सकता है। अगर उस शैतान की आत्मा किसी शरीर के अंदर दाखिल हो जाए तो क्या हर वक्त उसके अंदर ही रहती है? हाँ, और जब तक उस शैतान की आत्मा शरीर में रहती है उस इंसान को खुद होश नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, यहां तक कि खून करने के बाद उसे खुद खून करने का एहसास नहीं होता। तो क्या वो इंसान हमेशा इसी उलझन में जब एक दिन उसका शरीर मिट जाता है तो वही शैतानी आत्मा किसी दूसरे शरीर में अपना घर बना लेती है, लेकिन उसके वैशीपन का सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब उसके सामने कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। Thank you.
लाशें कहाँ हैं? सर, लाशें अंदर हैं। इस इलाके में यह चौथी वारदात है। जब भी किसी दुल्हन की डोली इस इलाके से गुजरती है तो अचानक दुल्हन का खून हो जाता है। चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ, कहाँ बेनाराम की बेटी की डोली उस कमीने की जिसने हमारे खिलाफ पुलिस को खबर की थी, अब उसे हमारी मुखबरी का नतीजा मिल जाएगा। तन्मय के मन तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया। चांद नगर को चली चकोरी, प्यासी हूं मिलन की सवरिया। मेरे सपने सजाओ, कहाँ पिया मिलन की रुत आई। कहो तो डोली को घेरे में ले ले। घेरे में तो डोली आ ही चुकी है। इस गांव के अंदर आने जाने के लिए मंदिर के नीचे से ही होकर गुजरना पड़ता है। हर डोली प्रणाम के लिए इस मंदिर पर रुकती है। कहा दुल्हन डोली में नहीं है? कहां गई वो? और करो डाकू दिलेर सिंह की मुखबरी, उठाकर ले गए ना उसकी बेटी को। भाई कुछ भी कहो, गंगाराम के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अब यहाँ बैठकर लकीर पीटने से क्या फायदा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और ना की तलाश के लिए। तुम लाख तलाश करो, ना दुल्हन मिलेगी ना डाकू हाथ लगेगा। उसका पकड़ना उतना ही मुश्किल है जैसे आंधी को मुट्ठी में कैद करना। आपने ठीक ही कहा ठाकुर। वाह वाह, क्या शानदार घोड़ा है। और मालिक के बारे में क्या ख्याल है? मालिक चाहे जो भी हो लेकिन घोड़ा लाजवाब है। यह तुम्हारे बजाय हमारे पास अच्छा लगेगा। इसके जितने दाम चाहे ले लो, मगर इसकी लगाम हमारे हाथ में दे दो। लगाम तो हमारे ही हाथ में रहेगी।
लेकिन तुम जब चाहो आकर हमारी सवारी के नजारे देख सकते हो। हमें मुफ्त की सवारी का नजारा देखने का शौक नहीं लाखन। जिनकी जेब में पैसा होता है वो चीजों खरीदना जानते हैं, दूसरों के एहसान के बोझ तले दबना नहीं। मामा ये लो लाखन। हम जिस चीज से प्यार करते हैं शेरा उसे नीलाम नहीं करते। तो एक बात और गौर से सुन लो, हमें जो चीज पसंद आ जाए पहले हम हाथ जोड़कर मांगते हैं और अगर न मिले तो हाथ तोड़ कर ले लेते हैं। शेरा न जाने तुम्हारी बदतमीजियां कब खत्म हुई, दूर जाओ मेरे सामने से। ठाकुर साहब आपकी इज्जत आपके मान की वजह से मैं चुप हो गया, नहीं तो लाखन पर बंदूक उठाने वाले हाथ आज मैं काट के रख देता। लाखन इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, गांव जब सवेरे उठता है तो भगवान के बाद आप ही का नाम लेता है। इसीलिए तो और शर्म आती है, जगह जगह इसके कारण हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं, ये सब हमारे प्यार की वजह से है। बचपन से हम इसकी सारी जिदें मानते आए हैं, जिस चीज पर इसने हाथ रखा या तो हमने खरीद के दे दी या इसने छीन के ले ली। गांव वाले हमारी खातिर इसे टोकते नहीं, इसकी जितनी जिदें हैं, जितनी गुस्ताखियां हैं, जितनी बदतमीजियां हैं, सब की सब हमारे लाड़की गोद में पली है। हमेशा से यही होता आया है ठाकुर साहब, बेटे को लगाम की जरूरत होती है लेकिन दौलतमंद बाप उसके हाथ में सोने की चाबुक थमा देता है। हजामत हो गई क्या? अरे लाखन भैया मैं तुम्हारे पास आ रहा था। क्या बात क्या हुआ? तुम्हारी बहन का जो टीका है ना वो तैयार हो गया। ए गौरी, अरे शांति तू गौरी देख बिंदिया चल कैसे रही है। ब्याह का दिन जीजू पास आता है, कुवारियों की चाल शराब में जैसी हो जाती है, एक पाँव यहाँ गिरता है और एक पाँव वहाँ। मेरा बस चले तो शांति मैं तेरी भी चाल ऐसी कर दूँ, लाखन भैया से तेरी शादी करके तुझे घर ले आऊं। ओह गौरी, अगर क्या करूं, तू बहुत बड़े ठाकुर की बेटी है और हम बहुत छोटे हैं, तुम्हारी हवेली का दरवाजा बहुत ऊंचा है शांति। सबकी बात तो बताती है गौरी हाँ, लेकिन खुद की बात नहीं बताती। अरे मेरे मुंह बोले भैया अमर के साथ इसकी जो आंख मिचोली चल रही है ना वो मुझे साफ पता है। क्यों गौरी कहाँ गई? जहाँ उसे जाना चाहिए वहीं। ना मुझे
मेरा जहान, ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ बोल मेरी जान। तू नींदों में सपने पिरो गया, उस दिन से मुझे कुछ हो घड़ी। मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है, या तेरी याद है या तेरा नाम है। हर घड़ी मुझे अब यही काम है, तेरी याद है या तेरा नाम है। तेरे मिलने से धड़कन ने अंगड़ाई ली, दिल की तमन्ना हुई है जवान, मेरी जान, बोल मेरी जान, अरे ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान। तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते। भूल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते। मैं मोहब्बत के मालिक तेरा शुक्रिया, समझो अगर मेरे दिल की जुबान, क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। लाखन भैया से तेरी शादी करके तुझे घर ले आऊं। अगर क्या करूं, तुम्हारी हवेली का दरवाजा बहुत ऊंचा है शांति, और हम बहुत छोटे हैं। भैया, ओ भैया, आके खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है भूख? मर गई है तेरा इंतजार करते करते। यहाँ आटे की बोरियां लाते लाते कमर टूट जाती है, और तुम्हें दो रोटी लाने के लिए इतनी देर हो जाती है। वो भी लकड़ियां गीली थी, इसलिए रोटी बनाते बनाते देर हो गई। हर रोज यही होता है, कभी लकड़ियां गीली होती हैं, कभी घर में तेल नहीं होता। मुझे इसी तरह मालूम है, तुम्हें रास्ते में देर होती है, घर में नहीं होती। बोलो, होती है कि नहीं? हाँ, आज तो हुई है भैया। वो क्या है भैया, वो रास्ता एक सहेली मिल गई थी। कौन सहेली? वो जो कसीदे का काम बड़ा अच्छा करती है। गाती भी बहुत अच्छा। हाँ हाँ, वही भैया। और बेचारी की आवाज जो है वो जरा मर्दाना है भैया। गौरी, ये देख, मैं चाहता हूं उस मर्दाना आवाज को हमेशा के लिए इस टीके में जड़ के तुम्हारी मांग में सजा दूं। भैया, अरे बचाओ, बचाओ, शेर, शेर, बचाओ, बचाओ, शेर, शेर, बचाओ। चंपा, कहाँ से? हुआ, हुआ मेरे। हाँ, मेरे साथ, चलिए। अरे छोटे ठाकुर, रुको, रुको, छोटे ठाकुर, तुम कहाँ जाते हो? शेर को ढूंढने। अपने ई शेर को बुलावे के लिए। अरे कभी तो अपने शान के घोड़े से नीचे उतरा करो, और तनिक ऊ की तरफ भी तो देखो जो तुम्हारे रास्ते में पड़े हैं। चंपा, हम हजार बार कह चुके हैं, हमें तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। पर मैं तो पसंद हूँ ना। चंपा, हमारा रास्ता छोड़ती है या? अरे कैसे छोड़ दूं, तुम खुद ही तो हमका ये रास्ता दिखाए हो। तुम चाहे हमका लाख ठुकराए दो,
पर चंपा उदन कभी नहीं भूल सकते। जौन दिन तुम देखता हूँ कौन इस हाथ को छुड़ा सकता है। अभी हम जिंदा हैं। लेकिन अब तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। माफ कर दीजिए सरकार। छोटे ठाकुर, ये लड़की तो है ही गांव की धूल। ना इसकी मां का पता, ना बाप का पता, ना जात का पता, ना जाने किसका पाप है ये। छोटे ठाकुर, आज तो तुमने इसका हाथ छुड़ा लिया, कल कौन थामेगा इसका हाथ? मैं थामूंगा इसका हाथ। हाथ ही तेरे झटके का रहा, तो ये बताओ ये हाथ थामे ही का है? अरे हाथ थामना एक बात है, हाथ थाम कर जिंदगी भर साथ निभाना दूसरी बात है, समझी? हमने उस दिन जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए किया, तेरी इज्जत बचाने के लिए किया। हमारी हमदर्दी आज भी तेरे साथ है। बोल तुझे क्या चाहिए? तू जो चाहेगी तुझे मिल सकता है। पैसा चाहिए? पहनने के लिए कपड़ा चाहिए? रहने के लिए जगह चाहिए? बोल। हाँ, हमका जगह चाहिए, पर वो जगह जो हम तुमका दे रखे हैं अपने सीने में, अपना दिल में। हमका तो हाथ तरस नहीं चाहिए, हमका प्यार चाहिए, प्यार। वो तुझे कभी नहीं मिल सकता। और हम ले के रहे बे, जो हमारा प्यार सच्चा हो तो एक दिन खुशी से तुम खुद ही हमारे हाथ थामे आई हो। की माँ ने उसकी शादी के लिए जो दहेज बनाया वो सब का सब चोरी हो गया था। बाहर से आए हुए चोर डाका डाल सकते हैं, तो गांव वाले मेल मिलाकर उस घाटे को पूरा भी कर सकते हैं। यही तो हमने किया है ठाकुर साहब। हम सब ने मिलकर बिंदिया की शादी के लिए कुछ कपड़े और जेवर इकट्ठा किए हैं। हम चाहते हैं कि पहले आप इन पर हाथ रख दें और फिर हम इसे ले जाकर उसकी माँ की छुरी में डाल दें। अचानक ठाकुर साहब को क्या हो गया? आप सब लोगों के सामने पहली बार हुआ है। मैं तो कब से देख रही हूँ, ये जब भी कोई दुल्हन या लाल जोड़ा देखते हैं तो उनका यही हाल हो जाता है। यहाँ तक कि मेरी शादी में मुझे इन्होंने लाल जोड़ा पहने नहीं दिया था, क्योंकि इसे बदशुक नहीं समझते हैं। मगर क्यों? एक लंबी दुख भरी सच्चाई है। आज भी उसकी याद हमें पागल बना देती है। वो दिन हमारी बहन की शादी का दिन था। दुल्हन ने शादी का लाल जोड़ा पहन रखा था। बारात बड़ी धूमधाम से आ रही थी, अचानक दूल्हा घोड़े से गिर गया और उसके सूमो के नीचे आकर मर गया। ये खबर बिजली की तरह गांव में पहुंची है, बिजली की तरह दुल्हन के दिल पर टूटी। नहीं, नहीं, छोड़ो भैया। आती, आती। आन की आन में सारा नक्शा बदल गया। दुल्हे का सेहरा उसकी अर्थी का श्रृंगार बना। और जो लाल जोड़ा पहने ब्याह की वेदी पर बैठने वाली थी, उसी लाल जोड़े के साथ जलती हुई चिता में रखी गई। ठाकुर साहब, नहीं नहीं, ठाकुर साहब। तब से जब भी ये ब्याह का लाल जोड़ा देखते हैं, इनका यही हाल हो जाता है। अमर,
बिंदिया के सर पे बाप का साया नहीं है, इसलिए ब्याह और बारात का सारा खर्चा हमारे जिम्मे होगा। अरे जब मैं ये जेवर उसके हाथ में दूंगा तो अपना उस्तरा छोड़ के तेरा हाथ मेरे हाथ में दे देगा। नमस्ते नथुराज जी। नमस्ते, आए क्यों? अरे बस एक अंगूठी बनवानी है। अरे मैंने कह दिया मैं हमेशा जनाना काम करता हूँ, जा लोहार के पास। ओए ओए नथुआ, मेरा काम भी आज चिनाना ही है। तेरा काम जनाना? आहो। अरे बता कौन है जनाना? अरे वो अपना नाई है ना छज्जू राम, उसकी बेटी नथनिया। ये धमाका क्या था? धमाका उधर नहीं है, धमाका इधर है। अरे 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 नथुराम जी, पहले आते थे एक के दो नजर, अब कुछ नजर नहीं आता। अबे सब कुछ तो दिख रहा है, सही जगह बैठ गया। मर गया तेरा नाल। अरे अरे मर गया मैं। अरे मेरी आंखें जल रही है मेरी। अरे मेरी जल रही है। अरे कसम ठुकने की, अभी तेरी आंखों में ठंडक डालता हूँ, ठहर जा। अरे मर जा मैं। अरे मेरी आंखें जल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहता आ गया। अरे कुर्सी का चली गई। अरे ये हाथ है। अरे हाथ आ गया था। ये कहता आ गया है। अरे आ गया है। आ गया है। आ गया है। आ गया है। अरे ये भेंगा कहां से आ गया? ओ भैया आओ, आके खाना खा लो। अरे बिंदिया तुम आज, तुम्हें किसने आने दिया पगली? कोई मेहंदी वाले हाथों से घर से बाहर जाता है? हाँ अब तो मैं जा ही रही हूँ भैया, घर छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। सोचा जाने से पहले आखिरी बार तुम्हें अपने हाथों से खिलाती जाऊं। इतना प्यार तो सगी बहन भी नहीं करती। मैं तो धर्म का भाई हूँ तुम्हारा। धर्म का रिश्ता जन्म के रिश्ते से भी बड़ा होता है, लेकिन तुमने जिस तरह ये रिश्ता पाला है, और कितने भाई पालते हैं। खाते खाते हाथ क्यों रुके भैया? कल का ख्याल आ गया, जब सहेलियां तुम्हें सजाएंगी, डोली में बिठाएंगी, कहर कंधे पर उठाकर एक घर से दूसरे घर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। इस बात से दुखी हो रहे हो? विदाई तो कल है, तुम आज ही रो रहे हो। नहीं, मैं तो विदाई में भी नहीं रहूंगा। अरे पगली, बहनें और बेटियां तो कर्ज होती हैं, मैं उनमें से नहीं हूं जो कर्ज उतारते वक्त रोते हैं। मैं तो हंसूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा। मैं पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, के मौज बंजारा ले गया, के मौज बंजारा ले गया ले गया, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां। दिल तक तो मेरा ले लिया, वो ले लिया दिल तक तो मेरा ले लिया, दिल तक तो मेरा ले लिया, कि वो क्या बेचारा ले गया, कि वो क्या बेचारा ले गया, तूने दिल तक तो मेरा ले लिया। मेरे सामने
सामने ही कोई बेगाना, मेरे सामने ही कोई बेगाना, के रूप का नजारा ले गया, के रूप का नजारा ले गया, ले गया। तू जलता है क्यों रे दीवाने, दीवाने तू जलता है क्यों रे दीवाने, के वो क्या तुम्हारा ले गया, के वो क्या तुम्हारा ले गया, ले गया। तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, जवानी तेरे किस काम की, इसे मेरे ही तो नाम लगा दे, जवानी तेरे किस काम की। दिल लेगा कोई मेरा दिल वाला, ये बात नहीं तेरे बस की, बस की। आज हुस्न का जलवा दे दे, आज हुस्न का जलवा दे दे, तो कल से मैं तौबा कर लूं, हाय तो कल से मैं तौबा कर लूं, कर लूं। साल 17 संभाला इससे मैंने, वो मैंने साल 17 संभाला इससे मैंने, रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, हाय रे ऐसे कैसे तुझे सौंप दूं, सौंप दूं। तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के है, तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, मैं सुर्खी का रंग बन के। तेरे जैसे कोई लुट गए कुंवारे, पायल मेरे जब छनके, जब छनके। गोरा रंग न किसी का होए, गोरा रंग न किसी का होए, के सारा जग बैरी हो जाए, है के सारा जग बैरी हो जाए, हो जाए। सारे जग से निपट लूं अकेली, अकेली सारे जग से निपट लूं अकेली, के पहले तू जो मेरा हो जाए, है के पहले तू जो मेरा हो जाए, हो जाए। छोड़ो झगड़े मिला लो दिल को, वो छोड़ो झगड़े मिला, तेरे घर में उजाला कर दे, तेरे घर में उजाला कर दे, तू ले जाए इसे दूल्हा बन के, हाय तू ले जाए इसे दूल्हा बन के, दूल्हा बन के। उठाओ कहाँ पिया मे
दुनिया बसी है और भाई उदास है, क्यों? नहीं तो मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी बिंदिया के माथे की बिंदिया हमेशा लाल और चमकती रहे। ये तूफान कैसा? धोनी का क्या होगा? भयंकर तूफान आया है, चले को यहीं रख दो। डोली क्यों रखती? दुल्हन गायब है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? और वो कौन है? उसने तो सिर्फ हमें एक बार बनाया है और हम सब उसे रोज बना रहे हैं। 32 बार निकाल दूंगा। साफ साफ बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खूनी को ढूंढ रहा हूँ। जो खूनी अंदर बैठा हुआ है उसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो? अंदर बाहर के बच्चे, ये तेरी मुट्ठी में क्या है? ये बंद मुट्ठी का खेल है, इसे इसे बंद रहने दो। दिखाता है कि नहीं? बिंदिया की बाली तो तू ही है वो डोलियों का लुटेरा, कातिल, कमीने। चल करो तुम, ये बाली कहां से मिली बताओ? क्यों बताओ? सच सच बताओ वरना ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। ऊपर वाले ने कहा है अभी तक मेरा वक्त नहीं आया है, ये जल्लाद मेरी जान नहीं ले सकते। सब पागल हैं। पिताजी, जब तक इसके मुंह और कान से खून नहीं निकलेगा तब तक ये खूनी खून का इकरार नहीं करेगा। ये बाली मेरी दुकान से चुरा के लाया, ये बेचारा पागल है। मगर ये बाली तो बिंदिया की है। सरकार, मैं तो बरसों से एक ही नमूने की बाली बनाता हूँ, ये देखो ये रही दूसरी वैसी की वैसी। इसका मतलब है खूनी कोई और है। खून किसने किया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन मेरी बहन का ये आंचल मिला जिसे जिसे ओढ़कर वो डोली में बैठी थी। ये आंचल कहाँ मिला तुम्हें? मंदिर के पीछे झाड़ियों के पास, और वहां जानवर के पंजों के निशान भी थे। बाबू मैं चलता हूँ। ऊपर कुत्ता और नीचे सांप, तेरी पीछे क्यों पड़े हैं? कौन हो तुम? पास वाले गांव में रहता हूँ, मेरा बापू अंधा है, वैद्य है, जड़ी बूटी तलाश करने आया था। जड़ी बूटी तलाश करने आया था क्या? तेरा हाथ बहुत मजबूत है, आज तू ना होता तो अपनी जान चली जाती। क्यों, मौत से डर लगता है? मौत से तो हर एक इंसान को डर लगता है, लेकिन आज अपनी मौत का नहीं तुझसे मुलाकात का दिन था। अरे वाह लौंडे, जवाब नहीं तेरा, चला जा। ये क्या कर रहा उस्ताद? अभी बताता हूँ। ये क्या करता है तू? ए यू पकड़ जोर से। अब क्या होगा?
लट के रहेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे? अरे हौसला रख यार, मर्दों की छोकरी की तरह घबराता है तू? अरे हौसला तो बहुत है, तू कहे तो जिंदगी भर यूं ही लटके रहे बात। रुक जा रुक जा। अरे वाह, बंदूक भी रखते हो, क्या बात है लौंडे तेरी। और सुन, अब कभी ऐसा खतरा पेश आए तो अपनी बंदूक से दो गोलियां चला देना और तेरा यार तेरे पास होगा। तू भी दो गोली चलाना, मैं चलाऊंगा। ये हुई ना मर्दों की बात। तूने ये नहीं बताया तू इस जंगल में किस लिए आया था? मैं एक ऐसे खूनी की तलाश में आया था जो डोलियां लूटने के बाद ना जाने कहां गायब हो जाता है। अरे मेरे बांजे की सवारी आ रही है, बांजे की। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर। तो फिर से आगे मेरा रास्ता रोकने के लिए? रास्ता रोके नहीं, नजर उतारे तो हार बलैया ले दे। सबसे बड़ी बला तो तू है जो मेरी जान से चिपटी है। ओए हाय, तनिक एक बार चिपका के तो देख जालिम, राम कसम सारी दुनिया भुलवाई दूंगी। अरे हट। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। पहले ये तो खा लो। ये क्या है? दही। मंदिर में मन्नत मांग के आई हूँ, मुकाबले में तोहरे जीत हुए। जो मर्द होते हैं वो मुकाबला अपनी हिम्मत और अपनी ताकत से जीतते हैं, इन फिजूल की मन्नतों से नहीं। हट। छोटे ठाकुर, आज का मुकाबला बहुत जबरदस्त है, दूर दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं। घबराओ नहीं मामा, रास्ते में जो भी आएगा कीड़े मकोड़ों की तो मसल दिया जाएगा। चेरा, ये किसको मसलने की सोच रहे हो? नहीं लाखन जी, ये तो मुकाबले की बात हो रही है। तुमने तैयारी करी लाखन? मर्द तैयारी नहीं करते शेरा, हमेशा तैयार रहते हैं। तुम अपनी कहो। तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी नहीं। कहो तो ये खेल यहीं से शुरू कर दें। इनकार किसे है लाखन? ठीक है, दो मील पे अंधी खाई है, देख लेते हैं पहले कौन पा करता है। अरे भांजे, अरे लाखन का ढक्कन खोल कर दिखा दे। शाबाश। जो जीते वही खिलाड़ी है। छोटे ठाकुर, आपकी हार सिर्फ मैंने देखी है ढक्कन खोल के। छोटे ठाकुर, यह राज सिकंदरिया के सीने में छुपा हुआ है या इस लाठी के पेट में। मामा, हमें अपनी हार मंजूर है लेकिन धोखेबाजी नहीं। जो मर्द होते हैं वो अपनी छाती पे वार तो सह सकते हैं लेकिन दूसरों की पीठ पर छुप के वार नहीं कर सकते। सबसे पहले लाठी का मुकाबला होगा, पांच जवान इस तरफ और पांच जवान दूसरी तरफ। मुकाबला शुरू। ठाकुर साहब, पांच के मुकाबले में पांच, ये कोई मुकाबला ना हुआ। ये दस एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, और वो भी बगैर लाठी के।
कोई और आदमी है जो लाखन के साथ मुकाबला करना चाहता है? शाबाश लाखन, तुम हमारे गांव की शान हो। इस नाम के हकदार तुम। ठहरिए, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ पिताजी। लाखन को इनाम लेने से पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। मुझे मंजूर है। अब आखिरी मुकाबला होगा। रस्से के बीच जहरीला खंजर बंधा हुआ है जिसके छू जाने से जान भी जा सकती है। जो इस खंजर को हासिल करेगा जीत उसी की होगी। तुमने सारा खेल खराब कर दिया। से बुलाकर यूं गुस्से से क्यों देख रहे हो? ये हाथ जो दोस्ती में मिले थे, जी चाहता है नहीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूं। घोंट दो ना, लेकिन इतना तो बताओ मेरा कसूर क्या है? जो सर सिर्फ माँ के चरणों में झुकता है, तुम्हारी वजह से आज सबके सामने झुक गया। ये दोष मेरा नहीं, इस दिल का है, मेरे प्यार का है। प्यार? सोच लो, प्यार की मंजिल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं और जग छोड़ना पड़ता है। ले मैं तेरे वास्ते सब
देखा नदी से आग का एक शोला उठ रहा है। सच पूछिए, बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है तुम्हें। मेरा रास्ता छोड़ो। नदी सामने हो और हम प्यासे रह जाएं, ये कैसे हो सकता है? नहीं। मेरी बात सुनो रेशमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच? तो बारात लेके कब आवत है जलेम? तू? हाँ मैं। कितनी बार कहा है कि तुम जहाँ भी जाओगे हम कब पाओगे? अरे एक दफा मान काहे नहीं ले, ये हम ही तुम्हारी किस्मत और तू ही हमार नसीब। जो सही मायने में मर्द होते हैं वो नसीब के गुलाम नहीं होते, समझे? हाँ, मगर तुम तो वो हो जो कांटा मार फंसी हुई मछलिया को छोड़ के उड़ती हुई तितलिया के पीछे भागत हो। अरे तुम सर पटक पटक के मर जाओगे पर वो हाथ नहीं आने वाली। हाँ, हमारी आँख जिसे एक बार चुन लेती है, दिल जिसे अपना लेता है, उसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। शुक्रिया कहूँ, धन्यवाद कहूँ या क्या कहूँ? कुछ न कहो तो अच्छा है, हम किए ही का है। तूने से मेरी जान छुड़ाई है? हम तो हाँ जान छुड़ाई होगी, पर अपनी जान बचाई है मैंने, तू नहीं समझोगी। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मंजूर है ठाकुर साहब, मंजूर है, सर आंखों पर मंजूर है। उधर लीजिए, ये कंगन मेरी बहू को पहना दीजिएगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, पहना दूंगा ठाकुर साहब, जरूर पहना दूंगा। आज से मेरी बेटी आपकी बहू हुई ठाकुर साहब, आपकी बहू हुई। यार आज सारे पुराने गिले शिकवा भूल कर गले लग जा। शाबाश। लेकिन शेरा आज बात क्या है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। यार खुशी तो इतनी है कि यूं समझ लो हमने चांद में पींग डाल दी है। आसमान में फूल खिला था, हमने हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ लिया। मैं नहीं समझे लाखन भैया, मेरे भांजे की मंगनी हुई है। मंगनी? लेकिन किससे? पहले लड्डू तो खा ले यार। अच्छा अब तो बता किससे? वैद्य जी की बेटी रेशमा से।
आओ मामा, मामा इसे लड्डू खिलाओ। क्यों चंपा, हमारे साथ हमारी खुशियों में शरीक नहीं होगी तू? हमने हवा में उड़ती उस तितली को पकड़ लिया है, ये ले, ले ना ले। दुनिया के तारण हाँ सब कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलत। वो बकदू हमारे हाथ था में, वो भी तुम्हारी मर्जी रही, और आज वो हमारा हाथ चटक दिए, ये भी तुम्हारी मर्जी है का? नहीं नहीं प्रभु, दुनिया मानत है कि जेका कोई नहीं होगा तुम हो, तो अब तो तुम ही हमार माए बाप हो प्रभु। अब हमार बन के दिखाई दो, हमार बन के दिखाई दो प्रभु। जो तो हमार ना ही बने तो हम समझ बे कि जैसे तुम्हार शरीर पत्थर का हो, वैसे तुम्हार दिल भी पत्थर का हो। फिर हम करो तुम्हार आसमान चाहिए, न कैलाश चाहिए, न गंगा चाहिए, डूब भरे के लिए छोटा सा कुआं बहुत हो। सारे गांव में लड्डू बट रहे हैं और तुम्हें मालूम नहीं? कैसे लड्डू? मंगनी के। किसकी मंगनी के? तुम्हारी मंगनी और किसकी? क्या कह रहे हो तुम? जो सारा गांव कह रहा है, तुम्हारी मंगनी शेरा से पक्की हो गई। ये नहीं हो सकता, किसी ने कहने में भूल की होगी, तुमने सुनने में भूल की होगी। मैंने सुनने में नहीं, तुम्हें समझने में भूल की है। मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मंगनी कर दी हो और तुमसे पूछा तक ना हो। मुझे तुम्हारे प्यार की सौगंध लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा यकीन रखो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दियो बाबू। मुझे ऐसे आदमी के साथ ना बात जिसे मैं प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने ठाकुर साहब को वचन दिया है, और ठाकुरों को दिया हुआ वचन भगवान की सौगंध से कम नहीं होता। तुझे ये ब्याह करना ही होगा, ये मेरा हुक्म है। तू हुक्म दे सकता है, तूने मुझे जीवन दिया है, मेरी जिंदगी, मेरी जान, तेरा उधार है ना मुझ पे। ठीक है, मैं कंगन पहनूंगी। जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी लाश पहने की, मेरी उस घर में डोली नहीं आकी जाएगी, आकी जाएगी, आकी जाएगी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैंने जो कुछ सोचा था गलत सोचा था, मैं अपने वचन पर तुझे बलि नहीं होने दूंगा। मैं ये कंगन ठाकुर साहब को लौटा दूंगा बेटी। हाँ लौटा दूंगा, लौटा दूंगा। क्या बात है लागन, बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे खुशी तो इतनी है, बस यूं समझ लो कि हमने भी चांद में पींक डाल दी, आसमान पर फूल खिला था, हाथ बढ़ाया और यूं तोड़ लिया। तुम्हारी मंगनी हो गई क्या? मंगनी से भी ज्यादा यार, ले पहले लड्डू तो खा ले। आखिर ये तो बता लाखन, खुशखबरी क्या है? किसी की मंगनी टूट गई है। किसकी मंगनी? तुम्हारी। कहाँ हो छोटे ठाकुर, उड़ गई ना तितलिया? चंपा, ऊपर वाले के यहाँ देर हो, अंधेर नहीं। जालिम। प्रभु हमको माफी दे दो, हम गुस्से में आके तो उसे झगड़ा किए, पर तुम ही बताओ तुम्हारे सिवा हमार है भी कौन? झगड़ा भी तो अपनों से किया जाता है ना। प्रभु आज तो हमार आधा काम कर दिए, अब वो के पूरा कर दियो ना। ये काम नतीजे में वापस नहीं रखे जाएंगे, ये उन्हीं हाथों में पहनाए जाएंगे जिनके लिए तुमने बाहर निकाले थे। नहीं शेरा, तो पराई बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और पराई बेटी वाले हमारी इज्जत के साथ खेल सकते हैं? नहीं मां, नहीं, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शेरा के अरमानों को ठुकरा सके। अब हमारी जिद है और देखता हूं शेरा की जिद से कौन टक्कर लेता है। गौरी
देखो मैं, मुझे पहली बहुत देर होगी, भैया नाराज होगी, मुझे जाने दो। सुनो तो, अपने सपनों का महल तैयार हो गया है, आज रात का मुहूर्त है, आओगी ना? आऊंगी, लेकिन जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बना कर लाओगे तभी पड़ेंगे मेरे कदम उस चौकट पर। पहले भैया से चलकर बात तो कर लो, जिसकी तुम्हें आज तक हिम्मत नहीं पड़ी। ये बात है तो अभी चलता हूँ, ऐसी बात करूंगा कि तुम्हारे भैया भी चकरा जाएंगे। गौरी, तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरी हिम्मत नहीं देखी, मेरा हौसला नहीं देखा, चलो। भैया। हाँ। भैया तुमसे कोई मिलने आया है। मुझे? हाँ। कौन मिलने आया है? वो देखो। अरे अमर मेरे दोस्त, तू वहां क्यों खड़ा है रे? चल कूद जा, सामने समंदर थोड़ा ही है, नाला ही तो है, कूद जा। शाबाश। क्यों मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ? वो भैया, हाँ? ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे? तो फिर बोलो। मालूम होता है गले में अटक गई है। हा? गले में अटक गई है? अरे मेरे दोस्त, गला जरा करके साफ कर लो और बोलो। बात यह है कि गौरी मुझसे प्यार करती है, मैं गौरी से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गौरी से शादी करना चाहती हूँ, गौरी मेरे से शादी करना चाहती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने एक घर बनाया जिसमें गौरी मेरे साथ रहना चाहती है, मैं गौरी साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पूछ लीजिए गौरी से। गौरी मुझे सब कुछ बता चुकी है और मेरे दोस्त, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, गौरी का ब्याह वही होगा जहाँ तुम्हारे पिताजी तय कर गए हैं। तुम भी कौन सी पुरानी बात ले बैठी हो माँ, जब ये रिश्ता तय हुआ था उस वक्त गौरी गुड़ियों से खेलती थी। तुम्हारे पिता का वचन जिस वक्त भी दिया गया, मेरे लिए वो बहुत कीमती है और वो टल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन तुम ये तो सोचो माँ, गौरी अमर से प्यार करती है। प्यार दिल का उछाल होता है, मगर ब्याह एक धर्म होता है, एक यज्ञ होता है। इस दुनिया का अजीब दस्तूर है, जो लोग जिंदा हैं, उन पर मुर्दे राज करते हैं और मरे हुए के शब्दों की चिता में जीती जागती देवियों को जलना पड़ता है। शादी कहीं और कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों होगा अमर, मुझे माँ की मर्जी मालूम है, भैया की मजबूरी मालूम है। तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, अपना कोई फैसला नहीं। तुम्हारी नकल जिसके हाथ में दे दी जाएगी उसके साथ चली जाओगी, तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होगा। होगा अमर, दिल पे छुरियां भी चलेंगी, आंखों से खून भी बहेगा, लेकिन माँ के हुक्म के सामने होंठ सिले के सिले रह जाएंगे। हजारों साल से यही होता आ रहा है अमर, लड़कियां प्यार करती भी रही हैं, अंदर घुट घुट कर मरती भी रही हैं, लेकिन फिर भी डोलियों में बैठती रही है जैसे मैं बैठूंगी। माँ बाप का इतना जोर होता है, प्यार का कोई अधिकार नहीं। अमर, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ और ब्याह कर लो। जाने से पहले सुनती जाओ गौरी, तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा, तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ इसी घर में आएगी। तुम सब लोग मेरी बताई हुई जगह पर दूर दूर तक फैल जाना और मेरी गोली की एक आवाज पर चारों तरफ से घेरा डाल लेना। टोलियों का लुटेरा अब बचकर कहीं नहीं जा सकता। सब काम बड़ी होशियारी के साथ हो जाना चाहिए, ख्याल रहे। इस बार लाखन की बहन की शादी है और डोली इस बार किसी भी हालत में। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की जरूरत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की जरूरत आई। भैया
हवेली व्याकुल बहना रह गई अकेली जिन संग नाची जिन संग खेली छूट गई वो सखी सहेली अब ना तेरी लगाओ कहा पिया मिलन की रुत आई चलो रे गोली उठाओ कहा पिया मिलन की रुत आई पिया मिलन की रुत आई अब गौरिया क्या होगा कहीं उसकी डोली भी ना ली जाए मुझे तो डर है वो खूनी उसे भी नहीं छोड़ेगा डोली नीचे नहीं रखी जाएगी हाँ तुम लोग हम ठाकुर के आदमी हैं लखनिया दीवार गायब हो गई चाहते हो क्यों रोका मुझे अभी बताता हूं साले कोनी लुटेरे आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा नहीं नहीं भैया नहीं इन्हें मत मारो भैया भैया जाने से पहले सुनती जाओ गौरी तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ इसी घर में आएगी अमर गौरी कहां है गौरी के गिर्द आप लोगों ने पहरे खड़े कर दिए थे चारों तरफ हथियारों की दीवार चुन दी थी बंदूकों की नालियां भर दी थी बारूद से फिर भी मैं अपनी दुल्हन को ले आया तुम अपनी आवस में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने एक सुहागन के हाथों में मेहंदी नहीं देखी तुमने हमारे खानदान की इज्जत नहीं देखी और तुमने इस यार की यारी नहीं देखी बस उठा ले हाथ में मशाल और एक ही वार में सब कुछ जला डाला फूंक डाला अमर मैं अपनी बहन को वापस ले जाने आया हूं अगर वापस ना करूं तो फिर समझ लो तुम्हारे खून के छींटे उड़ेंगे इन दीवारों पर आपकी कोई भी धमकी अब काम नहीं करेगी मैं ये तमाम हदें पीछे छोड़ आया हूं आप में हिम्मत है तो मेरी गौरी को मुझसे छीन कर दिखाइए हट जाओ मेरे सामने से नहीं आप अंदर नहीं जा सकते ये मेरे सुहाग का कमरा है और आज की रात हमारी सुहाग की रात है मैं कहता हूं हट जाओ अमर
आपने क्या समझा? गौरी आपको कमरे में मिलेगी, चार दीवारी में बंद। गौरी को मैंने कैद कर रखा है, आपने अपने दिल में जिसके दरवाजे आप नहीं तोड़ सकते, आपका समाज नहीं तोड़ सकता। गौरी आपको कभी नहीं मिलेगी, गौरी आपसे बहुत दूर चली गई है, मेरे खून में मिल गई है, मेरी सांसों में समा गई है। गौरी 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 चलो गौरी के पास। कसम फूकने की बड़ी खुजली है, पहले मेरी दाढ़ी बना लो। हम दो घंटे से यहाँ बैठे हैं। हाँ, कितने सेकंड लगेंगे जी? अबे डेढ़ घंटा लगेगा, डेढ़ घंटा। हाँ, डेढ़ घंटा लग जाएगा ना, काम हो जाएगा मेरा, कोई फिक्र नहीं, दो घंटे लगाओ। अच्छा, ये रोज आता है, टाइम पूछ कर चला जाता है, फिर पलट कर नहीं आता। ये बात है, है? तो आज मैं तरमनाल देख ही लूं ये किधर को जाता है और किधर को आता है। तुम बड़ा चालाक है। अरे मेरी चालाकी तो शादी के बाद मालूम होगी। लखनिया चालाकी, बापू आ गया। बापू आ गया? बात बता। क्या? ये सुनार का बच्चा रोज तेरे बापू की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बहाने से जाता है। अच्छा? हाँ, और वहाँ जाके वक्त लेके तरमनल वापस नहीं आता। अच्छा, पता नहीं किधर को जाता है। गल सुन, तू बता सकती है किधर को जाता है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या, यहाँ नहीं आता। नहीं मालूम किसी बार कहाँ बापू क्या, तू आ जा। अरे अरे अरे, आस्ते आस्ते आस्ते, ये ले पानी 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 पानी। अरे हाफता क्यों है, कुछ पता चला? हाँ, क्या? खजुराम जी। हाँ जी। आता है दुकान से। हाँ। जाता है मकान में। किसके? तुम्हारे। मेरे? कैसे? ये फूकनी आपके घर में मिली तरमनाल। अबे सुनार के बच्चे, मैं तेरा गला घोट दूंगा, मैं तेरा गला घोट दूंगा। एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ महाराज, क्या बता सकते हैं कि पाप क्या होता है? जो पाप करता हुआ पकड़ा जाए वो पापी, जो ना पकड़ा जाए वो साधु। आपने ये बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया महाराज। वैसे संसार में कौन पापी नहीं है, मैं पापी, आप पापी जी, सारा संसार पापी है। अरे बारे ऊपर वाले, आज देख लिया तेरा कमाल, गूंगे रामायण की कथा सुना रहे हैं और बहरे सुन रहे हैं और सुनकर खुश हो रहे हैं। सब पागल है।
मुझे यकीन था एक दिन तू मेरा खाना लेके जरूर आएगी, जरूर आएगी। कितना इंतजार किया मैंने तेरा। तुमने आज गले से लगाया तो ऐसा लगा जैसे सूखी खेती हरी हो गई, बुझे हुए दीप जल गए, बांसुरी जो सुनी पड़ी थी वो गीतों से भर गई। अब चलो खाना खा लो। शांति तू? आता हूं। कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं? वैद्य जी यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? दरवाजा खटखटाते हैं और फिर बोलते भी नहीं। अरे ये क्या हो रहा बेटी? जा रही हूँ बापू। गनी के उस नुक्कड़ पे एक बहुत बड़ा मकान है रेशमा, जहां जिंदगी के तमाम सुखों के साथ साथ शादी का एक लाल जोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ये कंगन तुम्हारे हाथों की शोभा बने। ये कंगन पहले भी भेज चुके हो, मैं लौटा चुकी हूँ, और ना करके हाँ करना मेरी आदत नहीं। और हाँ करके ना करने की मेरी आदत नहीं है। कोशिश मत करो, प्यार से कहता हूं ये कंगन पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी ये कंगन। तो फिर ये हमारी भी जिद है, आज ये कंगन तुझे पहना के ही रहेंगे। नहीं, छोड़ दे मुझको बदमाश। मैंने कह दिया ना तुम्हारी ये बात कभी पूरी नहीं होगी। हम जो सोचते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। क्या हो रहा है? मुझसे क्या पूछते हैं आप, उससे क्या पूछते हैं, इससे पूछिए। बताओ बेटी क्या बात है? ठाकुर साहब, पहले आपके बेटे ने मेरा रास्ता रोका, फिर जबरदस्ती। जबरदस्ती तुमने? शेरा, आज तुमने ठाकुरों का नाम मिट्टी में मिला दिया। ठाकुर हमेशा बेबसों की इज्जत बचाते आए हैं, रक्षा करते आए हैं, और तुम ठाकुरों के नाम पर एक कलंक हो। पिताजी, तुम अपनी हवस में यह भी भूल गए कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी शराफत है, हमारी इज्जत है, और आज तुमने उसी को लोगों की जूतियों के नीचे रख दिया। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे ठाकुरों की इज्जत पे आंचा। पिताजी, ये सारे इल्जाम झूठे हैं। तुमने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की, क्या ये झूठ है? नहीं, ये सच है, लेकिन आज मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तूने मेरे प्यार को, मेरे लाल को गाली नहीं। पिताजी, मैं तेरा पिता नहीं हूं। दबाओ जा यहां से, दबाओ जा। पिताजी, बेचारे मैंने कौन से पाप किए जो ये दुशासन मेरे घर पैदा हुआ। चलिए पिताजी, चलिए। सुनिए, शांति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बच्चे गलतियां करते हैं, बड़े माफ कर देते हैं। नहीं ठकुराए, नहीं, हर बात की हद होती है। एक तरफ शेरा है जिसने आज हमारी शान, हमारी इज्जत का चिराग बुझाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ लाखन है जो न सिर्फ अपने घर का बल्कि सारे गांव का चिराग है। ठकुराइन,
लाखन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सारा गांव जानता है लड़का अच्छा है, लेकिन ये आप सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपनी शांति अब बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले नहीं करने। मैं समझी नहीं। मैं समझता हूँ शांति लाखन को पसंद करती है। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? तुम क्या समझती हो, ये बाल हमने धूप में सफेद किए हैं? हम तो आंखों की भाषा दूर से पढ़ सकते हैं, चाहो तो तुम भी पढ़ सकती हो अपनी शांति की आंखों में। तुम ठाकुरों के नाम पर एक कलंक हो। तुम अपने हवस में ये भी भूल गए कि हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी शराफत है। कौन है? बाहर निकल, बाहर निकल। अरे वैद्य जी, आप तो खरगोश की तरह भाग रहे थे। कुत्ते जो पीछे लगे हुए थे। तो आप अंधे हैं? नहीं, अंधे बने हुए थे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस राज को राज ही रहने देना, वरना ये गांव वाले मुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। ठीक है वैद्य जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका ये राज हमेशा राज रहेगा। लेकिन ख्याल रहे, एक काम हम आपका कर रहे हैं और अब आपको एक काम हमारा करना होगा। वो क्या? आपको अपनी बेटी की शादी हमसे करनी होगी। कहिए, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। तो फिर शादी फौरन हो जानी चाहिए। ठीक, आइए। चोर के घर चोर, शादी करेंगे साहब। चंद्रो गजाननम द्वादशे तन्नामानि यः पठेत् सृजाति विद्यारम्भे प्रायश प्रवेशे निगमिता। वैद्य जी, लगन का समय बीता जा रहा है, कन्या को जल्दी बुलाइए। आइए चाचा जी। भाभी, चश्मा। हमें भी वैद्य जी ने बुलाया है। और क्यों बुलाया है? अरे अंधे की बातें अंधा ही जाने। मैंने आप लोगों को आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि आप सबको बता सकूं कि मैं आपका गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, पापी हूँ। सबसे पहला पाप मैंने जो किया है वो ये कि मैं अंधा नहीं हूँ। इसमें क्या है वैद्य जी? मेरे कर्म है ठाकुर साहब, मेरे पापों की कमाई। ठाकुर साहब, मैं चोर हूं, पापी हूं, हत्यारा हूं। आप मुंसिफ हैं, बड़े हैं, आप मुझे सख्त से सख्त सजा दीजिए। ठाकुर साहब, सख्त से सख्त सजा दीजिए। उठो वैद्य जी, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई है। तुम्हारी आंखों से पश्चाताप की ये जो गंगा बह रही है उससे तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। लखन बेटे, रेशमा को स्वीकार कर लो बेटे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दिल दुख की आग में जलता है तो आंसू बनकर बहने लगता है आंखों से। लेकिन बेटी, दिल से बढ़कर एक और चीज भी है,
और वो है धर्म। जो आदमी अपने दिल को धर्म की वेदी पर बलिदान कर देता है वो बहुत बड़ा काम करता है बेटी। इसलिए हमने फैसला किया है बेटी कि तुम्हारी शादी श्यामपुर के ठाकुर रणधीर सिंह के बेटे के साथ कर दी जाए। आपने जो धर्म की बात की है पिताजी, मेरे दिल ने समझ ली है, मान ली है। आपने जो फैसला किया है मुझे मंजूर है, उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है पिताजी। आय हाय, लड़कियां पर जोर नहीं चला तो लकड़ियां काटे लग गए। अरे तोहरे खून में जान गर्मी है ना, वही बेचारे पेड़ पे कुल्हाड़ी चलावे से नहीं उतरी। अरे एक बारी हमरे प्रेम के छैया तले बैठ के तो देख, अंगारन का फूल बना दूंगी जैलिंग। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरी बहन गौरी का टीका है। गौरी का टीका? हाँ, ये टीका यहाँ से मिला है तो इसके आसपास कोई और निशान भी मिलना चाहिए। चल। अरे लाखन, ये जूता किसका हो सकता है? जिसका ये जूता है वही खूनी भी होगा। मांगो चमार, गौर से जूते को देखो, बताओ किसका है। मैं नहीं जानता माई बाप। तुम जानते हो मंगू, बता ये जूता किसका है। तुम डरो नहीं मंगू, कोई भी तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठा सकेगा। मुझे इस झंझट में मत डालिए सरकार। सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये जूता पुजारी जी का। पुजारी, ये जूता किसका है? मेरा। तो फिर हो गया फैसला, मेरी बहन के कातिल तुम ही हो, डोलियों के लुटेरे भी तुम ही हो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरी पूजा करूंगा पुजारी, आज तेरे माथे से ये चंदन का टीका मिटाकर तेरे ही खून से तेरे माथे पर लकीर खींच दूंगा। छोटे ठाकुर, क्या तुम भी वही समझ रहे हो जो ये समझ रहे हैं? तुम तो जानते हो कि मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूं पाखंडे। मैं निर्दोष हूं, मैं सच कहता हूं, मैं निर्दोष हूं। हर खूनी यही कहता है, लेकिन आज आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं लाखन, नहीं, छोड़ दे। खूनी लुटेरे, उठ उठ, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें जान से मार डालूंगा। चलो, आज मैं तेरी बलि भगवान के चरणों में चढ़ूंगा। चल चल चल। देख रहे हैं ठाकुर साहब, धर्म के रक्षक पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। पापी को अपने पापों की सजा इसी संसार में मिलती है पुजारी। मैं पापी नहीं, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष। अगर तुम निर्दोष हो तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। शिवशंकर, पद्म महादेव, पद्म भाई, शिवशंकर, मैंने सारी जिंदगी तेरी सेवा की, तेरी पूजा की, लेकिन आज लोग मुझे पुजारी नहीं खूनी बुला रहे। खूनी, मुझे निर्दोष साबित करने के लिए प्रकट हो जा प्रभु शिवशंकर, प्रकट हो जा। आज तुझे प्रकट होना पड़ेगा, तुझे प्रकट होना पड़ेगा। ऐसा ना हुआ तो नर्थ हो जाएगा। भगवान भक्त एक होते हैं,
पर तो भगवान का टूटना था टूट जाएगा। प्रकट हो शिव शंकर, प्रकट हो भोलेनाथ, प्रकट हो भोलेनाथ। पुण्य और पापियों के लिए भगवान कभी प्रकट नहीं होते। आज मैं इस त्रिशूल से तुम्हारा पाखंड हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पुजारी जी, हम सबसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। बम बम महादेव, बम बम महादेव। नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। अरे मेरे होते हुए तुझे डर लगना चाहिए ना, सर्दी लगनी चाहिए। मैं तो एक कंबल हूँ, आ गले लग जा। मेरे कंबल। नथनिया दरवाजा खोल। मर गए बापू। बापू नथनिया दरवाजा खोल। बापू काला उठा। हाँ। किधर छुपू, किधर छुप जाऊँ? खटिया की नीचे। अरे यहाँ नहीं, इधर नहीं, तुम अंदर चल जाओ। अंदर 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 किधर है, अंदर किधर है? राम जी दरवाजा नहीं खुल रहा, अंदर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। हो तुम चुप मर, नहीं तो तुझे खचक कर दूंगा। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्या कर रही थी? आंख लग गई थी। आंख लगी थी किससे? मैं क्या कर रही है? आज मैं उस सुनार के बच्चे को सूरदास बना दूंगा। सूरदास कुछ नहीं हुआ। अब वो फुकनी के पहले ये बताइए बात क्या है? बात कल रात की है। मेरा डोला उठा, बजा बजा बजा। चार टांग के घोटे पे दो टांग का दूल्हा था, दूल्हा था, दूल्हा था। रो मत रो मत, फिर क्या हुआ? फिर धमाका, धमाका हुआ। फिर क्या हुआ? फिर दो टांगों वाला नीचे था और चार टांग वाला ऊपर था। तब से मैं विधवा हो गई। विधवा से शादी कौन करेगा? कौन करेगा? तू खरीदी यहाँ क्या कर रही है? जा इसके लिए ग्लास दूध ले आ। गरम ना गरम ग्लास लेना, शक्कर भी डाल देना। मैं करूंगा, नीचे नहीं ऊपर ऊपर ऊपर। अरे बाप रे, मेरा हाथ, मेरा हाथ। हाय हाय, क्या सूरत है, क्या आंखें हैं। अभी तो बंद है तो खोलो ना। कसम उस तरह की, मैं तुम्हारी तन मन धन से सेवा करूंगा। तो कंवर जी, हाँ जी, कोई निशानी दो ना। अरे मेरी जान ले लो ना। अरे वो तो मैं ले ही लूंगी, पर अभी तो कुछ दे दो, ये उस तरह दे दो ना मुझे। उस तरह ले लो। हाय हाय, अब तुम भी कोई निशानी दो ना। देती हूँ, पहले आंखें बंद करो ना। आंखें ले लो। हल्के हुए। हाँ, हाँ, तो बहुत हल्का हो गया। मेरी मूछ है गोरे गोरे मुखड़े पे, काली काली मूछ, अच्छी नहीं लग रही थी। गोरा गोरा मुखड़ा, काली काली मूछ, वो भी निकाल दूंगा। आए, आए आज तक कमाल है। सुबह से लड़के टकरा रही हैं। पेंगे शाह, अखे संभाल के बात कर। नाई की कर दी, तेरी भी मुझे काट लूंगी। ये ले नाई की मुझ और उसका उस्तरा, कसम भुकनी की। ओए सुनार के बच्चे, अबे भेंगे शाह, बात बन गई। इधर मैं अपनी शादी की इतनी शादी की तैयारी करता हूँ, उधर तू अपनी शादी की तैयारी कर। ओए कैसी शादी, बर्बादी की तैयारी कर। ओए क्या हुआ? ओ नाई, वो सुनार का बचा तेनु मुंड के ला गया। ये तेरी मुच्छी और ये तेरा उस्तरा, ला पकड़। शादी बड़ी धूमधाम से होगी। आ गए, लो बेटी, हमारी बहन की शादी नहीं होगी। ले लो, ले जाइए ये शादी। छोटे ठाकुर, ये क्या कर रहे हैं आप? समधी सर के ताज होते हैं और सगुन पूजा की सामग्री, आप इन दोनों को ठोकर मार रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हमारी बहन की शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये तो हम पूछ सकते हैं। हम इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जवाब ये क्या देगा, मुझसे सुनिए। पहले ही कई डोलियां लूटी जा चुकी हैं, जिनमें एक डोली मेरी बहन की थी। और शेरा ये नहीं चाहता जो दूसरों की बहनों के साथ हो चुका है, इसकी बहन के साथ भी हो। मान लो हम ऐसा ही चाहते हैं। इसका मतलब तुम्हारे घर में आग लगे तो आग, और दूसरे के घर में आग लगे तो तमाशा। बकवास बंद, निकाल दो इसे।
चल भाग यहाँ से पागल कहीं का। जाता हूँ जाता हूँ, और तुम किए जाओ अपना काम। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारी बहन की डोली यहाँ से नहीं जाएगी। डोली तो जाएगी शेरा, तुम अपनी किस्मत को गांव वालों की तकदीर से अलग नहीं कर सकते। शेरा, मैं डाकुओं के ख्याल से ये शादी नहीं रोकूंगा। शेरा, तुम्हारे डर से मेरा विश्वास कहीं ज्यादा मजबूत है। ये मेरा फैसला है और यही इंसाफ का तकाजा है। संदी जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं। आप चाहे इसे मेरा वहमी समझ लीजिए, लेकिन मेरी बेटी शादी का लाल जोड़ा नहीं पहने। ठाकुर साहब, हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर रहे हैं, लाल जोड़े से नहीं। फिर जाइए, शादी की तैयारी कीजिए। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अकेले में। आओ। ठाकुर साहब, अगर आपको इतराज ना हो, आपकी बेटी के साथ डोली में मैं बैठूंगा। क्यों, इस बार क्या सोचा है तुमने? इस दफा मैं डोली में बैठकर यह देखना चाहता हूं कि वो कौन है जो डोलियों पर हमला करता है और दुल्हनों को उठा कर ले जाता है। लाखन, हमारी बेटी के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल दोगे? ठाकुर साहब, आपकी बेटी हमारे गांव की इज्जत है, लाज है, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही वचन चाहता हूं, जो कुछ मैंने आपसे कहा है वो आपके और मेरे बीच राज रहेगा। ऐसा ही होगा लाखन। धन्यवाद। नमस्ते। मुझे नहीं बताइएगा बंद दरवाजे के पीछे लाखन से क्या बातें कर रहे थे? कुछ राज की बातें हो रही थी ठकुरायन। ऐसा कौन सा? नई डोली के बारे में आपका क्या हुक्म है? अब की बार बहुत मुश्किल है, लोगों की पूरी तैयारी है, दुल्हन के साथ डोली में रखवाला भी बैठेगा। फिर? तुम फिक्र मत करो, हम भी नया तरीका इस्तेमाल करेंगे। चलो रे डोली उठाओ, कहां पिया मिलन की जुत आई। चलो रे डोली उठाओ, कहां पिया मिलन की जुत आई। चलो रे डोली उठाओ,
बेटी प्रसाद लो। ओए डोली नहीं लूटी गई, डोली नहीं लूटी गई। अरे सुन भाई साधो, बोल रे माधो। सुन भाई साधो, बोल रे माधो। Not a day, not
तेरी नींदों में खो जाऊं, मैं प्यार की चांदनी में जी चाहे सो जाऊं, क्योंकि दुख ना जुदाई की मार जैसा, सुख नहीं दिल के करार जैसा, यार नहीं कोई मेरे यार जैसा। देखा न सैया हमार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा, नाता नहीं कोई प्यार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा, देखा न सैया हमार जैसा। मैके से जब बेटियां विदा होती हैं तो पत्थर भी पिघल कर रो पड़ते हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं। मैं पूछता हूं ये किस खुशी में खुशियां मनाई जा रही हैं? खुशी की बात तो है ही लाखन, हमारी बेटी खैरियत से अपने ससुराल पहुंच गई है, भगवान का शुक्र है रास्ते में डोली लूटी नहीं गई। यही तो मेरा सवाल है ठाकुर साहब, डोली क्यों नहीं लूटी गई? आपकी बेटी के साथ वो क्यों नहीं हुआ जो दूसरों की बेटियों के साथ होता रहा है, दूसरों की बहनों के साथ होता रहा है? हम तो इसे किस्मत का खेल समझते हैं लाखन, भाग्य के देवता हम पे मेहरबान थे, दूसरों पे नहीं। यह भाग्य का खेल नहीं है ठाकुर साहब, नियत का सवाल है। भाइयों, आज मैं सारे गांव वालों को यह बता देना चाहता हूं कि वो डोलियों का लुटेरा ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो यही मौजूद है। कौन है वो? ठाकुर साहब, डोली में आपकी बेटी के साथ मैं बैठा था, ये राज सिर्फ आप जानते थे या मैं जानता था। तुम कहना क्या चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूं वो शीशे की तरह साफ है, डोलियों का लुटेरा या मैं हूं या आप है। लखन, इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से कुछ और जहर उछले, हम अपनी जिंदगी खत्म कर लेना पसंद करेंगे। जिंदगी खत्म न कीजिए ठाकुर साहब, ये नाटक खत्म कीजिए। बताइए आप डोलियां क्यों लूटते रहे, दुल्हनों का खून क्यों करते रहे? तुम इतना बड़ा इल्जाम हम पे लगा रहे हो, कह रहे हो वो घोर हत्यारा हम हैं, हम पागल हैं, हम डाकू हैं, हम तुम्हारी गुस्ताखी और जुर्रत पे हैरान नहीं लाखन, हम हैरान है अपनी बेशर्मी पे जो ये सब कुछ सुनने के बाद भी इस जमीन के ऊपर खड़े हैं, इस जमीन के अंदर काल की नहीं है। छोड़ दीजिए हमें, मार जाने दीजिए हमें, ये सब कुछ सुनने के बाद मौत हमारे लिए इनाम होगी और जिंदगी सजा। लाखन, ये राज मुझे भी मालूम था, लेकिन ये राज मैं अपने बेटे शेरा से छुपा नहीं सकी। शेरा? हाँ हाँ शेरा, डोली इसलिए नहीं लूटी गई कि तुम अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बड़ी चालाकी से दुल्हन की डोली में आकर खुद बैठ गए। पहले मुझे सिर्फ शक था, आज मेरा शक यकीन में बदल गया पिताजी, कि डोलियों का लुटेरा ये है और सुहागनों का कातिल भी ये है। खेरा, तुम्हारा मतलब है कि वो सारी डोलियां मैंने लूटी हैं
अपनी बहन की डोली भी। हाँ हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं शेरा, ये नहीं हो सकता। कोई भाई अपनी बहन की डोली नहीं लूट सकता। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ ठाकुर साहब। शेरा की बहन का बच जाना इस बात का सबूत है। डाकू अगर कोई तीसरा होता तो वो मेरी बहन और शेरा की बहन में कोई फर्क न समझता। वो शेरा की बहन के साथ भी वही करता जो मेरी बहन के साथ हुआ है। शेरा ने अपनी बहन को तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरों की बहनों और बेटियों के लिए मौत बन गया। ये झूठ है। नहीं, लाखन जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। हाँ, ठीक कह रहा है। ठाकुर साहब, लाखन की आवाज सारे गांव की आवाज है। हाँ, ठीक कह रहा है। आप चुप क्यों हो गए ठाकुर साहब? आज आपका इंसाफ अपने खून के सामने गूंगा क्यों हो गया? हम सब आपसे इंसाफ मांगते हैं। शेरा खूनी है और खूनी को सजा मिलनी ही चाहिए। ये लीजिए बंदूक और सुनाइए अपना फैसला। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे ठाकुर साहब, तो इसका फैसला हम खुद करेंगे। खामोश। हम अभी जिंदा हैं। हम अपनी बेटे की खातिर इंसाफ का खून नहीं कर सकते। बोल शेरू, जनता की आवाज को लोग भगवान का नकारा मानते हैं। वो कभी झूठ नहीं होता। बोल, सच क्या है? मैं कुछ नहीं जानता हूं पिताजी। मैं आखिरी बार पूछता हूं, उन डोलियों का लुटेरा कौन है? सच सच बता दे बेटे। पिताजी मैंने कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता। शेरू, तुम्हारे मुंह से जितने झूठ निकलेंगे मैं उतनी गोलियां तुम्हारे सीने में डाल दूंगा। नहीं, ये क्या कर रहे आप? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाइए, मेरी कोख पर चलाइए, जिससे उसने जन्म लिया है। खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। जिस तरह इंसाफ अंधा होता है उसी तरह बंदूक भी अंधी हो सकती है। खबरदार, अगर किसी ने मेरा पीछा भी करने की कोशिश की तो। पागल है। रेशमा कहाँ है? अंदर है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? मैं रेशमा का बाप, इस घर का मालिक। मालिक? आज पांव की जूती सर के ताज को ललकारने लगी। ये पहली बार हुआ है कि एक मामूली वैद्य ने ठाकुरों के घर से आए हुए रिश्ते को लौटा दिया है। ये रिश्ता होगा और जरूर होगा। ये रिश्ता कभी नहीं होगा। अच्छा बुड्ढे, कहीं हमारे हाथों तेरा भी खून ना हो जाए। ठाकुर इनकार सुनने के आदि नहीं। शेरा, तू ठाकुर होगा अपने गांव का, यहाँ तेरी जबरदस्ती नहीं चलेगी। मेरे बापू को धमकी देता, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे हट! दुल्हने आज तक डोली में जाती रही हैं, लेकिन अब हम डोली का इंतजार नहीं करेंगे। अब हम तुझे कंधे पे उठा के ले जाएंगे। आज हमका तुम्हार असली रूप मालूम हो गया है। हमका विश्वास हो गया है कि वो दुल्हनी इनका खूनी कौन है, डोली इनका डाकू कौन है। क्या भक्ति है? अरे हम का भक्त है? गांव का बच्चा बच्चा कहा था कि वो खूनी भी तुम्हें हो, डाकू भी तुम्हें हो। इसका कौनो जवाब है तुम्हारे पास? हम जवाब देने के आदि नहीं। अपनी जान प्यारी है तो हट जा।
तिनकों को जिंदगी चाहिए तो आंधियों का रास्ता नहीं रोकते। हाँ तुम हवस में पागल हो गई हो ठाकुर, अब तुम्हारी जबरदस्ती ना ही चली। हट जा हमारे रास्ते से वरना घोड़े की टापों के नीचे कुचल दी जाएगी। कुचल दियो हम जान दे देव, पर ये जुलम नहीं होने देव, नहीं होने देव। अरे हट! क्या इरादा है? किस बात का? होठों पे वही सवाल, हाथ में वही कंगन, पहन लो। कंगन पहने नहीं जाते, पहनाए जाते हैं। जानी दुश्मन समझ लूं, ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था तो ऐसी भी नहीं है तू। ऐसी वैसी ना समझ सजना, ऐसी वैसी ना समझ सजना। इतना तो मेरा दिल भी जानता जरूर है कितनी तू मेरे पास है और कितनी तू दूर है। जो देख रहा हूं कहीं वो ख्वाब तो नहीं,
कांटों के भेस में छुपा गुलाब तो नहीं, इस कदर तो अब दिल के करीब है, इस कदर तो अब दिल के करीब है, नसीब है नसीब है। तुमने अपने प्रेमी को जो इशारा करना था वो हो चुका, मगर वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा। अगर मुर्दे मौत की घाटी से उठकर आ सकते तो वो जरूर आ जाता, मगर अफसोस वो बेचारा मर चुका है। मुर्दे कभी कभी जिंदा भी हो जाते हैं शेरा, अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए। फिर देर किस बात की है राजा, चुका लो। मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा कर ले गया। अब चुप क्यों हो गए ठाकुर? इंसाफ के पुजारी की जबान पर ताला क्यों लग गया? इंसाफ का आसन क्यों डोलने लगा? इसलिए कि मुजरिम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है ठाकुर। यह इंसाफ होगा और होकर रहेगा। इंसाफ जरूर होगा। तुम जो कह रहे हो अगर वो सच है तो आज की रात शेरा की जिंदगी की आखिरी रात होगी। ठाकुरायन हमारी बंदूक लाओ। कान हमारी बंदूक लाओ। अपने बेटे की तलाश में आए हो ठाकुर, जो दूसरों की इज्जत की होली जलाना चाहता था वो देखिए खुद अपनी होली की आग में जल रहा है। शैतान की चिता पे आंसू नहीं बहाते। आग
कि वो मेरी औलाद। भगवान, ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। भगवान, अपनी जिद के लिए तो खुद मिट्टी में मिल गया। बेटे, इतना तो सोचा होता तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा। इस आग से बच भी जाता तो आपकी बंदूक का निशाना बन जाता, आपका कलेजा तो पत्थर कहना, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों। तुम क्या समझते हो, मैं सिर्फ इस गांव का ठाकुर ही हूं। ये क्यों बोलती हो, मैं शेरा का बाप भी हूं। पंडित ने हमारी शादी का मुहूर्त निकाल दिया। सच? हाँ। ए, किस सोच में पड़ गई? कहीं मेरी भी डोली लुट गई तो? अब कोई डोली नहीं लूटी जाएगी, डोलियों का लुटेरा जल गया अपने ही पापों की आग में। मैं बच कैसे गया, मुझे आग के शोलों से किसने निकाला? हम निकाले रहे। लेकिन तू वहां कैसे पहुंच गई? जैसे तन के साथ छाया, हम ना ही कहते रहे कि तुम जहां भी जाइयो हम साये की तरह तुहार पीछा करो। हम अपनी जान की ढाल बनाए लिए रहे तोहरे खातिर। हम ऐसे बला है कि तुहार मौत आई पर हम कदे के पलट गई। मौत तुझे देखकर नहीं, मुझे देखकर पलट गई। जो काम अभी अधूरा रह गया है उसे पूरा किए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ। चलो रे गोली उठाओ, कहाँ पिया मिलन रात दीवानी। गले डाल बाहों का हार, कहार पिया मिलन की रुत आई। चलो रे गोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत आई। पुजारी जी महाराज,
दूल्हा और दुल्हन के लिए भोलेनाथ का प्रसाद तो लेकर आइए। शंकर भोलेनाथ, टोली आ गई है, मैं स्वीकार हूं। तुम पकड़े गए। मैं खूनी नहीं हूं। अगर मैं खूनी होता तो आज तुम भी जिंदा नहीं बचते। मैं तो सिर्फ इसलिए जिंदा हूं लाखन कि अपने माथे पर लगे हुए खून के धब्बे को उस असली खूनी के खून से धो सकूं। लाखन चलो मेरे साथ। पागल के बच्चे। इंस्पेक्टर आप पागल बने रहे। वक्त से आए मत कर वरना एक और खून हो जाएगा। Thank you.
तुम याद करो वो तूफानी रात। मुझे तो डर लग रहा है। भूत का? हाँ। अरे पगली, ये तो सिर्फ लोगों का वहम है कि भूत खंडर में रहते हैं, वो तो सिर्फ मूर्खों के दिमाग में रहते हैं। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ कि भूत के डर से कहार और बराती भाग गए, वरना ये घड़ी न जाने कितनी घड़ियों के बाद आती। अब तो डर नहीं लगता ना? उसे लाल जोड़े में देखकर मेरे सीने में तभी हुई नफरत की चिंगारी भड़क उठी। करना चाहता था कि अचानक तुमने खंजर मेरे सीने में भोंक दिया। तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे मार डाला है? नहीं, मैं मरा नहीं, मैं तो सिर्फ शरीर बदलता हूं। अपने ही हाथों से कर दिया। जाने दे मुझे, जाने दे। नहीं जाने दूंगा, तू मना नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद दोबारा पलट कर फिर कभी नहीं आऊंगा। सबूत? सबूत? सामने वाली दीवार को सबके सामने चीर कर चला जाऊंगा। छोड़ दे। शैतान ने किए जो मेरे अंदर था, फिर भी मैं तुम सबका गुनहगार हूं, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरे हाथों हुआ।
हो सके तो माफ करना मुझे। बेटा बेटा नथनिया, ये दीवार फाड़ने वाला भूत कहीं मुझे फाड़ के मेरे अंदर घुस गया तो कसम फुकनी की कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी फुकनी बंद कर दूं। क्या करें? पतली गली से निकल ले। हटी 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 हटी।